मैं जो सामने आपको खेत दिखा रहा हूँ, लगभग इसमें 10 दिन पहले बुआई हुई थी और ये दोस्तों अंकुरित हो चुका है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अलवर में, ये अलवर के ग्रामीण इलाकों में ये जानकारी लेने आए कि इस बार प्याज कितनी बोई जाएगी, क्या प्याजों में जलेबी रोग आया है, और बाजरा आपके वैसे दोस्तों काफ़ी जगह बाजरा भी दिखाई दे रहा है, तो इस बार बाजरा ज़्यादा है या प्याज ज़्यादा बोई जाएगी। तो दोस्तों वैसे तो ये 10 दिन पहले जो मैंने आपको वीडियो जारी करा था उसके दौरान ये वहाँ यहाँ पर बुआई हो रही थी और अब ये अंकुरित हो चुकी है। मैं चारों तरफ आपको दिखा रहा हूँ। तो मेरे सामने जो किसान खड़े हैं, लगाने वाले तो आपके साजी थे, है ना? अपना नाम बताएं, नाम क्या है? यासीन खान। यासीन? यासीन खान। तो लगभग ये 10 दिन पहले बुआई हुई थी मैंने वीडियो, तो अभी इसमें कोई रोग वगैरह? अभी कोई रोग वगैरह नहीं है। तो रोग का खतरा है क्या इस बार? रोग को खतरा लग रहा है। कैसे, मतलब कैसे, कहीं सूचना? जलेबी रोग आया था ना, उसी से डर लग रहा है बस। तो नहीं, ऐसा कैसे लग रहा है कि जलेबी रोग आ सकता है, कोई कारण लग रहा है क्या? ऐसा ये बदल बुदल होते हैं उसकी वजह से कारण लग रहा है। तो कहीं से अलवर की सूचना भी आ रही है कि जलेबी रोग की? अभी तक तो कोई सूचना है नहीं आपके पास? नहीं है, अंकुरित हुआ है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले कि लगभग अलवर जिले से लगभग 1% या उससे कम जलेबी रोग की सूचना अभी भी आ रही है, पर अभी उससे ऐसा कोई नुकसान का आकलन तो नहीं किया जा रहा है। बाकी अभी वो ये पैमाना बड़ा पैमाना नहीं है, और इस बार तो जैसे पिछली बार तो क्या हुआ था, बारिश अगस्त में नहीं हुई थी, इस बार जुलाई में अच्छी बारिश हो चुकी है। तो ऐसा जलेबी रोग इस बार डर लग रहा है क्या? जलेबी रोग अभी तो कोई संभावना नहीं, मौसम खुला रहा, संभावना खुला मौसम है, इसलिए डर नहीं लग। अगर ये घुट जाता है 10-15 दिन तो आ सकता है, तो जलेबी रोग आ सकता है। तो जलेबी रोग का मेन कारण क्या, बारिश है क्या? बारिश से ही आता है जलेबी रोग, बारिश से आता है। और मौसम खुला रहेगा तो प्याज की फसल अच्छी होगी। तो इस बार थोड़ा सा बताएं अपने जो इस इलाके में, जैसे ये अपना ये बास है, पड़ीसल का बास है, या काफ़ी बड़ा एरिया प्याज का, काफ़ी प्याज काफ़ी बोई जाती है यहाँ पर। तो लगभग प्याज ज़्यादा है बाजरा ज़्यादा इस बार? बराबर है इस बार। तो इस बार मतलब पिछली बार से बाजरा ज़्यादा बोया गया क्या? हाँ, ये जलेबी रोग के कारण ज़्यादा बोया बाजरा, बाजरा ज़्यादा बोया गया। तो इस बार प्याज कम रहेगी उस हिसाब से? नहीं, फिर भी बराबर ही है प्याज। नहीं, पिछली बार से प्याज का क्या रहेगा? पिछली बार से प्याज का बराबर ही रहेगा, मतलब जितनी पिछली बार बोई थी उतनी बार। तो आपने कितनी बीघा बोई थी पहले, पिछले साल? पिछले साल अपन ने 10 बीघा प्याज बोई थी। और इस बार कितनी बो रहे? 10 ही बो रहे हो, मतलब ऐसा कोई जलेबी रोग का डर नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा, लेकिन डर बाद में हो जाता है, घुटने के बाद, घुटने के बाद में हो जाता है। मतलब वो प्याज तो बोनी है, चाहे घाटा हो चाहे नुकसान हो। हाँ, प्याज तो बोनी बोनी, चाहे 2-4 साल घाटा हो, 5 साल घाटा हो, इससे कोई घबराहट नहीं है, प्याज तो बोनी बोनी है। तो लगभग अभी ये, अभी तो इसमें अब कुछ खाद वगैरह या कोई चीज़ डाली है क्या? अभी तक तो खाद वगैरह वैसे DAP वगैरह ही डाला है। और क्या क्या डलेगा अभी इसमें? अब तो इसमें बहुत कुछ डलेगा ना, जो आप जैसे बताएंगे वैसे डालेंगे। नहीं, आप ज़्यादा किसान, आपको अनुभव ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आप बताओगे, आप जैसे कितने दिन बाद कुछ डलेगा? अब ये तो इनको मालूम, मैंने साजी इनको ज़्यादातर। अच्छा अच्छा, तो आप मतलब साजी ज़्यादा डालते हैं इसमें खाद वगैरह। तो दोस्तों मैं आपको ये 10 दिन पहले आपको दिखाया था ये खेत, और लगभग अंकुरित हो चुका है, अभी कोई जलेबी रोग की संभावना नहीं है। बाकी मौसम अगर घुटता है तो ही संभावना बनती है, पर अलवर ज़िले में शिकायत जरूर आए, पर अभी ऐसी शिकायत जरूर नहीं आ रही। मतलब इक्का दुक्का किसान जरूर बता रहे हैं कि जलेबी रोग आया है, पर अभी अलवर में अभी कोई गंभीर समस्या नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।